हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम बहादुर कहानी का सारांश या कथावस्तु के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर की पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित एक मध्यवर्गीय परिवार के नौकर बहादुर की कहानी है। दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक नेपाली लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई है। उसकी माँ गुस्से से उसे पीट देती है तो वह घर छोड़कर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 12 से 13 वर्ष का एक लड़का है जो जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसकी माँ उसे गुस्से से पीट देती है तो वह घर छोड़कर एक मध्यवर्गीय परिवार में एक नौकर बन जाता है, जहाँ की गृह स्वामिनी निर्मला उसे सिर्फ बहादुर कह के पुकारती है। बहादुर अत्यंत परिश्रमी एवं मेहनती लड़का है। वह घर के सभी कामों को प्रसन्नता के साथ करता है। किशोर की बदतमीजी। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था, यानी कि जो गृह स्वामिनी है निर्मला, उसका बड़ा बेटा किशोर बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। जब बहादुर ने उसके काम में थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो किशोर बहादुर को गालियां देता है, वह छोटी छोटी बातों पर उसे पीटता है। निर्मला के रिश्तेदारों द्वारा चोरी का आरोप। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद रिश्तेदार की पत्नी ने अचानक 11 रुपये खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार ना कहने के बावजूद उसे सभी ने पीटा। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो बहादुर के ऊपर चोरी का आरोप लगा हुआ है, यानी कि एक रिश्तेदार आते हैं, जो घर में आते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है वह 11 रुपये खो जाने के लिए कहती है, तो यहाँ पर सभी लोग बहादुर पर ही शक करते हैं व उसे पीटते हैं। बहादुर का घर से भाग जाना। बहादुर पर आरोप लगने के बाद वह बहुत उदास व असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह घर छोड़कर कहीं चला गया। बाद में निर्मला व घर वालों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। अंत में घर वाले बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो ये था बहादुर कहानी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।